हम सभी साउथ की तरफ से आने वाली एक और बड़ी फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट काफी समय पहले हो गई थी, लेकिन अब मेकर्स की तरफ से इस फिल्म को लेकर एक अपडेट सामने आ रही है। और कई महीने पहले इस फिल्म का एक पोस्टर भी रिलीज हुआ था, जिसमें फिल्म की कास्टिंग अनाउंस की गई थी। हम बात कर रहे हैं साउथ की मोस्ट अवेटेड मूवी बघीरा की। इस फिल्म का इंतजार करते करते काफी समय हो गया है, लेकिन मेकर्स इस फिल्म को बिल्कुल साइलेंटली बना रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में बहुत ही जल्द फिल्म के बारे में कोई बड़ी अपडेट या सीधा टीजर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी फिल्म की शूटिंग चल रही है और बहुत ही जल्द फिल्म की शूटिंग का भी काम पूरा कर लिया जाएगा। इसीलिए हो सकता है कि फिल्म का टीजर भी देखने को मिल जाए। वहीं बात करें फिल्म की कास्टिंग की, तो फिल्म में साउथ के कई बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म में लीड रोल में साउथ के सुपरस्टार श्री मुरली देखने को मिलने वाले हैं, और इनके साथ साउथ की कई बड़ी हीरोइन भी देखने को मिलने वाली हैं। पहली तो अमीरा दस्तूर और दूसरी है साक्षी अग्रवाल। और वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को साउथ के जाने माने डायरेक्टरों में से एक अधिक रवि चंदन के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। बघीरा फिल्म को लेकर एक इंटरेस्टेड बात यह है कि इस फिल्म को केजीएफ फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नीलने खुद लिखा है। इस फिल्म में एक्शन तो भर भर के देखने को मिलने वाला है, और सुनने को मिल रहा है कि इस फिल्म की स्टोरी भी काफी दमदार है। इसीलिए मेकर्स फिल्म की शूटिंग बिल्कुल साइलेंटली कर रहे हैं, और टाइम आने पर फिल्म की कोई बड़ी अपडेट जरूर देंगे। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि प्रशांत नील हमें क्या दिखाने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।